सोशल मीडिया पर एक काम जो सबसे तेजी से और बड़े धड़ल्ले से होता है वो है ट्रोल करना। कई सितारे अक्सर ट्रोल होते रहते हैं, लेकिन अब ट्रोल हो गई हैं राधिका आप्टे। जमकर उड़ी है उनके इंटरनेट पर खिल्ली और तौर नेटफ्लिक्स भी आया है इस लपेटे में। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। बॉलीवुड एक्ट्रेस राधिका आप्टे इन दिनों सुर्खियों में है। दरअसल राधिका आप्टे नेटफ्लिक्स कंपनी के साथ लगातार जुड़ी रही हैं। पहले आती है लव स्टोरीज, उसके बाद आती हैं वो सेक्रेट गेम्स में, फिर आती हैं वो हालिया रिलीज हुई घुल में। हालांकि इन सभी सीरीज में उनकी जबरदस्त परफॉर्मेंस रही है, लोगों ने भी उनकी एक्टिंग की तारीफ की है। इसी वजह से नेटफ्लिक्स लगातार राधिका आप्टे को अपनी सीरीज में बैक टू बैक कास्ट कर रहा है। दरअसल राधिका आप्टे नेटफ्लिक्स की अब चौथी सीरीज में भी आने वाली है, जिसका काम शुरू हो गया है। उसका नाम है Omnipresent। अब इसी के बाद से लोगों ने राधिका को ट्रोल करना शुरू कर दिया है। कई तरह के फनी मीम्स बनाए गए हैं राधिका के लगातार नेटफ्लिक्स के साथ काम करने पर। कुछ लोगों का कहना है कि नेटफ्लिक्स राधिका आप्टे के टैलेंट को इस तरह निचोड़ रहा है जैसे कि कोई टूथपेस्ट खत्म होने के बाद उसमें से आखिरी बार टूथपेस्ट निकालता हो। वहीं पर कुछ लोगों ने कह दिया कि राधिका आप्टे नेटफ्लिक्स की सूर्यवंशम है। ऋषभ ने नवाज की फोटो शेयर करते हुए नीचे लिखा हुआ है, अपुन को पता था राधिका आप्टे आएगी। वहीं पर फिल्म रेड का एक सीन और इसमें फोटो के साथ लिखा हुआ है, अंदर तो आ गए बाहर कैसे जाओगे। इसी तरीके से दुनिया भर के फनी ट्वीट और मीम्स हैं। एक और जरा इस फनी फोटो को देखिए, कार्टून फोटो है और इस पे कैप्शन दिया हुआ है, व्हेन यू ओपन नेटफ्लिक्स दीज डेज आपको सिर्फ नजर आती हैं राधिका राधिका राधिका। पाकिस्तान की आंटी तो आपको याद होगी जो रिपोर्टर से बातचीत करते करते गाली देती है। इनकी तस्वीर को भी शेयर करते हुए नीचे लिखा गया है, ये बिक गई है नेटफ्लिक्स। तो इस तरीके से राधिका और नेटफ्लिक्स इन दोनों को लपेटे में लिया गया है, इन दोनों के मीम्स बनाए जा रहे हैं, मजाक बन गई है राधिका आप्टे सोशल मीडिया पर। इंटरनेट है, कुछ भी हो सकता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।